और अब 2024 कौन जीतेगा की कवर स्टोरी। पटना में विपक्षी नेताओं का जमघट सजा, अगली बैठक की तारीख निकली और सबने 24 में बीजेपी को रोकने का संकल्प लिया, लेकिन बीजेपी इसे महज फोटो सेशन करार दे रही है और 300 सीटों का नारा बुलंद कर रही है। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस को विपक्षी बैठक की तस्वीरें हवा भी दे रही हैं। हुआ ये कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक में तो थे, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने किनारा कर लिया है। 15 दलों के 32 नेता पटना की बैठक में शामिल हुए, संकल्प लिया कि हम सब साथ हैं और 24 में बीजेपी के विजय रथ को 100 सीटों पर रोक देंगे। एक साथ चलने की सहमति हुई है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे, तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक तय समय से करीब एक घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 4:15 बजे के आसपास बैठक खत्म हुई। फिर 4:30 बजे विपक्षी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साथ बैठे। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। बैठक से जो दो बड़ी बातें निकली वो ये कि एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी और अगले महीने अगली बैठक शिमला में होगी। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। पटना में इस विपक्षी दलों की बैठक का आइडिया नीतीश कुमार को ममता बनर्जी ने दिया था। पहले 12 जून को मीटिंग होनी थी लेकिन राहुल गांधी के मौजूद नहीं होने की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी। पटना की बैठक का आइडिया देने वाली ममता बनर्जी ने कहा कि पटना से जो शुरू होता है वो जन आंदोलन का रूप होता है। पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ पहले, आप लोगों को मालूम है, अमर कहने नहीं चाहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी दलों का निशाना सिर्फ बीजेपी रही। मोदी सरकार पर हमला बोला गया और तानाशाही नहीं चलने देने की बात कही गई, तो बीजेपी इस बैठक को लेकर पलटवार किया है। एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। विपक्ष की इस बैठक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्विटर पर लिखते हैं कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगरू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाए। फिलहाल इस बैठक के जरिए विपक्षी एकता की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई है। इसी वजह से केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और बैठक खत्म होते ही एयरपोर्ट चले। देखिए, विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तल्खी साफ साफ नजर आई। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रकाश कुमार वहां मौजूद थे, उन्होंने जो देखा उसके बाद लगता नहीं कि विपक्ष की एकता ज्यादा लंबी चलेगी। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रकाश के पास और प्रकाश बताएंगे कि आखिर ये साथ क्या इस मंच तक ही है या आगे 24 के राह पर साथ चलेंगे। प्रकाश, सभी देखिए, आज जो कुछ मंजर देखने को मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में, ऐसा नहीं दिखता है कि तुरंत में इन लोगों की सहमति एक साथ चलने की हो सकती है।
जबान पर भले साथ चलने की हो। देखिए, तीन ऐसी घटनाएं हैं जिसको देख करके ऐसा लगा कि जैसे अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आमना सामना पार्टियों का है। पहली बात ये कि केजरीवाल, भगवंत सिंह मान, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। दूसरी बात कि जैसे ही ममता बनर्जी बोली और उसके बाद डी राजा के बाद सीताराम येचुरी जो सीपीएम के नेता हैं उनके बोलने की बारी आई, इससे पहले नीतीश कुमार पर उन्होंने शायद दबाव बनाया और उन्होंने सीताराम येचुरी का नाम न लेकर के उमर अब्दुल्ला के बारे में उन्हें बोलने को कहा। इसी बीच में ममता बनर्जी उठी और चली गई, यानी कि सीपीएम की बात सुनना शायद उन्हें मंजूर नहीं था ममता बनर्जी को। तो ये दो तीन ऐसी घटनाएं हैं जिसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आने साथ रहने की बात ज़रूर हुई, लेकिन आगे बहुत सारे ऐसे मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के सीपीएम, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और केजरीवाल, इन सब के सुर आपस में नहीं मिल रहे। अगली बैठक शिमला में होनी है, वहाँ देखना और दिलचस्प होगा कि वहाँ कितनी पार्टियाँ कितनी तैयारी के साथ आती हैं। जी जाहिर है, देखना होगा ये मनभेद मिटा पाएंगे आपस में या नहीं, या फिर इसकी राह आगे कितनी लंबी और कहां तक जाकर रुकेगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। देखिए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।